व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल देसी फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की हमारी रेसिपी है अरवी गोश्त, जिसके लिए मैंने मटन ले लिया है 1 kg। हाफ के जी जो है अरवी ली है और इसको स्लाइसिस में काट लिया है। 1 अदद प्याज चाहिए दरमियाने साइज़ का, 2 अदद टमाटर, 1 जवा लहसुन का बारीक बारीक काट लिया है। आज की रेसिपी चंद ही स्पाइसेस के साथ तैयार होने वाली है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च चाहिए, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, नमक हसबे जायका, 1 टेबल स्पून खुश्क मेथी और 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया। तो आइए व्यूअर, सबसे पहले गोश्त को गलने के लिए रख देती हूँ। सो व्यूअर, 2 ग्लास पानी शामिल कर दिया है गोश्त में। अब इसमें साथ ही शामिल कर दूँगी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक, प्याज और लहसुन। 1 उबाल आने के बाद इसको फिर हल्की आंच कर दूंगी। तकरीबन 1/2 आवर तक गोश्त गल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको चेक कराती हूँ प्रोसेस। आधा घंटा इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने कुकर यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपल देखते हैं गोश्त को उबलाने लगी हूँ, इसलिए आधा घंटा लगेगा। सो व्यूअर्स, गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब इसमें मैंने 1 कप ऑयल शामिल किया और साथ ही शामिल कर रही हूँ टमाटर, खुश्क धनिया, खुश्क मेथी। अब अच्छे से गोश्त की भुनाई करूँगी, इसके बाद इसमें अरवी शामिल करूँगी। सो व्यूअर्स, गोश्त अच्छे से भुन चुका है और इसमें शामिल करेंगे अरवी। 5 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे, फिर इसमें 1 ग्लास पानी शामिल करके 10 मिनट के रखेंगे ताकि अच्छे से अरवी गल जाए और हल्की सी इसकी ग्रेवी तैयार हो जाए। सो व्यूअर्स, अरवी डालने के बाद 5 मिनट इसकी भुनाई की है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 ग्लास पानी। अब इसमें अरवी भी गल जाएगी और हल्की सी इसकी ग्रेवी भी रेडी हो जाएगी। फाइनल लुक इसकी इसके बाद आपको चेक कराती हूँ। तो व्यूअर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी अरवी गोश्त की फाइनल लुक। आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।